ब्रेक के बाद चले बढ़ते हैं आगे। 8 फरवरी 2021 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का जायजा लिया और बताया कि एक्सप्रेसवे के निर्माण से पूर्वी उत्तर प्रदेश विकास की नई रफ्तार को पकड़ेगा, यहाँ निवेश के साथ साथ रोजगार के भी बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। आइए देखते हैं क्या कहते हैं योगी। मैं कल भी अयोध्या में था और मेरा सौभाग्य है कि आज भी अयोध्या की ही भूमि में मुझे आपके साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कल अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में बनाने की प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप कैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसी के लिए बड़ी बैठक अयोध्या के अंदर हम लोगों ने संपन्न की थी। और आज अयोध्या के साथ साथ पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु कैसे बनाया जाए, इसके लिए जून 2018 में प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ये एक्सप्रेसवे अंतिम चरणों में बनने की अंतिम चरणों में चल रहा है और अगले 2-2.5 महीनों के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो जाएगा। आप अनुमान करिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ बनने जा रहा है, क्योंकि व्यापक निवेश की संभावनाओं को लेकर के आएगा और निवेश का मतलब रोजगार, नौकरी। हमारा युवा जो आज नौकरी और रोजगार की तलाश में देश और दुनिया में भटकता है, उसको स्थानीय स्तर पर ही नौकरी और रोजगार मिलेगा। और जब स्थानीय स्तर पर नौकरी और रोजगार उसे प्राप्त होगा तो अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का बेहतर उपयोग वह पूर्वी उत्तर प्रदेश के निर्माण के माध्यम से राष्ट्र के प्रति अपनी बेहतर सेवा देने में सफल होगा। इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की बैकबोन बनने जा रही है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बहुत शीघ्र बनकर के तैयार होगा। इसी का निरीक्षण करते हुए हम लोग सुबह से ही चले हैं। मैं सुबह गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, सुल्तानपुर होते हुए अब अयोध्या में आया हूं, और अयोध्या के बाद अभी हमें एक दो और जगह कार्यक्रम देख करके फिर हम लोग लखनऊ पहुंचेंगे। ये एक्सप्रेसवे समय से तय समय सीमा से काफी पहले बन रहा है, और ये तब है जब पिछले एक वर्ष से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। कोरोना में हमारा काम कुछ दिनों तक बंद रहा, लेकिन उसके बाद हमने फिर अपने कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। ये दुनिया के लिए एक मिसाल हो सकती है कि कोविड-19, जब दुनिया कोविड से त्रस्त थी, पस्त थी, हमने कोविड का भी मुकाबला किया, लेकिन साथ साथ प्रदेश के भविष्य के लिए, प्रदेश के नौजवानों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं को भी द्रुत गति से आगे बढ़ाने में कोई कोताही नहीं बरती है। और ये तब संभव हो पाया जब प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, आप सबका सकारात्मक सहयोग और जनप्रतिनिधि उसके साथ लगे रहे, ये कार्य समय से होना चाहिए। आज इसका परिणाम है ये कार्य बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। ये समय से पूरा हो, प्रधानमंत्री जी इसका अगले 2-2.5 महीनों के अंदर हम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन भी करा सके, इस दिशा इस एक्सप्रेस वे के निरीक्षण के लिए आज मैं स्वयं ही निकला हूं। मैं इस अवसर पर आप सभी